नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी। मैं विवेक अरकुंशी। पलिया नगर के पेंसिल्वेनिया पब्लिक स्कूल में मनाया गया वार्षिक उत्सव। व्यापार मंडल अध्यक्ष अनूप मिश्रा ने फीता काटकर किया उद्घाटन। मौजूद रहे तमाम समाज सेवी व व्यापार मंडल के पदाधिकारी। इस समय हम पलिया तहसील में मौजूद हैं और पलिया तहसील के पठान एक मोहल्ले में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पेंसिल्वेनिया पब्लिक स्कूल। 1999 से संचालित इस स्कूल की स्थापना कृष्णा भैया ने की थी और ये पेंसिल्वेनिया में आज जो है एक मुख्य आकर्षण का केंद्र, इनका एनुअल फंक्शन है। उसके बाद पहले हम आपको बता दें कि ये एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तमाम इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं क्षेत्र में, लेकिन जो फाइनेंशियली वीक बच्चे हैं या परिवार हैं उनके बच्चे भी यहाँ CBSE बोर्ड की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। प्री NC से लेकर क्लास 10th तक एजुकेशन फैसिलिटी है और आज एनुअल फंक्शन है और एनुअल फंक्शन में हम अभी एक काउंटर पे आए हैं। देखिए यहाँ पर कूपन मिलते हैं और कूपन मैं आपको दिखा दूँ कि 10 रुपीज़ का कूपन है और 10 रुपीज़ के कूपन में आपको जो है अगर लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा, 3 बजे लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा, उसमें पहला पुरस्कार मोबाइल, दूसरा मिक्सी और तीसरा प्रेस और अन्य जो है पुरस्कार हैं इसमें। हम इसके बाद आपको ले चलते हैं, अंदर चलेंगे, देखेंगे कि देखिए भव्यता के साथ इसको सजाया है। और फिर आपको बता रहे हैं कि ये ऐसा स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम की शिक्षा देता है ऐसे बच्चों को भी जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं। बड़े बड़े स्कूलों में बड़ी बड़ी फीसें होती हैं और लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन तमाम इन दुश्वारियों के बाद भी ये स्कूल जो है इसको सजोए हुए है और लोगों को जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा, इंग्लिश मीडियम की शिक्षा दे रहा है और रीजनेबल जो है फीस में दे रहा है। तो हम पहले स्टॉल पर हैं, हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये बच्चे हैं, बेटा क्या रेट है, कैसे बेच रहे हैं। आपने बड़े स्कूलों में बड़े एनुअल फंक्शन देखे होंगे लेकिन हम आपको दिखा दे रहे हैं छोटे से शहर से एक स्कूल है उसके एनुअल फंक्शन में हम आपको ले के आए हैं। हम आपको दिखा दें, बच्चे यहाँ हैं, बहुत सारे बच्चे हैं और परिवार भी हैं, उनके फैमिलीज भी हैं और देखिए बड़े अच्छे तरीके से सजाया गया। तो हम पहले स्टॉल पे पहुँचे हैं तो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ये बेकरी प्रोडक्ट्स हैं। बेटा ये कितने रुपए का है, ये क्या कूपन सिस्टम है, कैसे है ये? अच्छा, तो वहाँ से जो लक्की ड्रॉ के अलावा भी कूपन है कोई? कॉन्सोलेशन कॉइन है क्या? कॉइन प्राइजेस हैं? नहीं, ये अगर इसको परचेज करना हो तो कैश से परचेज करेंगे, कैसे परचेज करें? कूपन से, कूपन आपको वहां से परचेज करने होंगे। कितने रुपए का है ये? 10 रुपीज का है। तो देखिए बड़ा जो है रीजनेबल प्राइस रखा गया है, रीजनेबल प्राइस रखा गया है। बेकरी प्रोडक्ट्स हैं ये और बेकरी प्रोडक्ट्स को ये बच्चे जो है इस तरीके के कूपन को आप लाएंगे और उससे जो है इसको परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ जो है हम और चीज़ें आपको दिखाएंगे। ये कूपन है, देखिए ये एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और मैं चाहूँगा आप देखें, यहाँ बच्चे आए और सेल्फी, देखिए रोटेटिंग जो है वो है, उसके ऊपर बच्चे खड़े होकर सेल्फी ले सकते हैं। एनुअल फंक्शन को देखने के लिए हम यहाँ आए थे, पेंसिल्वेनिया पब्लिक स्कूल है पलिया में और ये क्राफ्ट जो है यहाँ पे तैयार किया गया है, बच्चों और टीचर जो है टीचर्स की हेल्प से इसको तैयार किया गया है और ये सब हैंडमेड है, इन्हीं स्कूलों के बच्चों ने टीचरों के साथ मिलकर बनाया है, बच्चों ने अपने हाथों से बनाई है। तो हम आगे चलेंगे और चीज़ें आपको दिखाएंगे। देखिए ये सब बच्चों ने, हम चाहते हैं कि एक बार वो बच्चे आए जिनके सहयोग से और टीचर जो हैं उनके सहयोग से ये चीज़ें बनी हुई हैं, ये बनाई गई हैं। देखिए ये पूरा एक घर बनाया गया है, पता नहीं इनको अपने टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मैडम क्या बोलते हैं इसको? स्नो हाउस बनाया गया है। जब बर्फबारी होती है, हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं तो ये नज़ारे दुर्लभ होते हैं, लेकिन अगर कैमरे की नज़र से देखें तो बिल्कुल स्नोफॉल का जो है कितनी अच्छी तरीके से क्राफ्टिंग की। हम चाहेंगे वो बच्चे प्लीज़ एक बार आ जाएं तो हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। देखिए झरना भी यहाँ पे, किस खूबसूरती से झरने का भी इसको दे दिया गया है। तो ये क्या बेटा आपने बनाया है, क्या नाम है आपका, किस क्लास में पढ़ते हो? 6th में पढ़ते हो? तो ये क्राफ्टिंग आपने अकेले की है या टीचर्स जो है हेल्प की है?
तो ये आपने की है या और भी बच्चों ने इसको मिलके बनाया? तो मैं चाहूंगा जो भी हैं अगर मौके पर हैं तो हम उनसे बात कर लें। चलिए चलिए, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन किस खूबसूरती से देखिए, जो रोड पे आपको पत्थर दिख जाएंगे उसको कितने करीने से सजाकर इसको बनाया गया है। और जी अब हम मैडम से भी बात कर लेंगे, प्रिंसिपल मैडम से कुछ थोड़ा सा बताएं कि बच्चों ने कैसे टॉर्टोइस बनाए। जी जी, देखिए अखरोट की क्ले और इसको कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, जैसे लग रहा है कि ये किसी बड़ी कंपनी से तैयार हुआ है। और ये देखिए, और ये माचिस की तीलियों का इस्तेमाल कितनी उससे किया गया है चेयर और टेबल बनाने के लिए। क्रिसमस ट्री भी बनाया गया है और इसको भी बड़े सलीके से सजाया गया। और खास चीज मैं ये देख रहा हूँ कि मास्क जो है, मास्क कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मास्क कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये सब बच्चों ने ही बनाए हैं? हाँ, ये सब बच्चों। अच्छा, देखिए यही होता है कि कोई स्कूल, अगर आप जो है आप में ललक है और आपके शिक्षक आपका साथ दे रहे हैं, शिक्षकों के मार्गदर्शन पर आप चल रहे हैं, तो तमाम चीज़ें आप जो है, जो बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं तैयार कर सकते हैं, वो हैंडमेड तरीके से। अब देखिए झरना पूरा बना दिया गया है और आसपास पत्थर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। और ख़ास बात यह है, ये अखरोट के उससे बनाया गया है और इसमें शायद रबड़ का इस्तेमाल किया गया है, क्ले है, ये मिट्टी से जो है इस्तेमाल किया गया है। इसको कलर करके कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, अगर यही मार्केट में आप देखते तो आपको लगता है किसी अच्छी कंपनी ने इसको ब्रांडेड तरीके से बनाया और बेचा है। कुछ और चीज़ें मैडम हम चाहेंगे, देखिए ये देखिए स्नोमैन भी बना दिया है, आप लोगों ने सुना होगा, ये बॉल है कितनी खूबसूरत तरीके से। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें जो हमारा थारू क्षेत्र है, थारू क्षेत्र की भी झलक इसको देखने को मिल रही। तो बहुत बड़े में जो है शर्ट वगैरह में बकरम जो लगती है उसको यूज़ करके ये कितना खूबसूरत लव ऑफ रोजेज, ये कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया। देखिए ये भी जो है ये पूरा अच्छा साबूदाने की पेंटिंग कर दी गई। मुझे लग रहा है कि कोई जो है छोटे से वो जो माले में पड़ते हैं उस तरीके की चीज़ें, मोती नहीं है। तो हम और चलेंगे आगे, एक बार कोशिश करेंगे। देखिए अभी मुझे लग रहा है कि अगर हम बात करें इसी जो है रूम में, हम जो है क्राफ्टिंग वाले रूम में ही एक घंटे तक बात कर सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ये भी देखिए, ये मैडम का ये नॉर्मल गत्ते को काट कर बना दिया गया है। देखिए प्लास्टिक स्पून्स को भी यूज़ करके मोर बना दिया गया है। और ये पीछे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीछे गत्ता है, नॉर्मल गत्ता है, इसको काट कर। और ये जो स्पून्स हैं जो हम यूज़ करते हैं खाने पीने में, शादी ब्याह बारात में यूज़ होते हैं, उन्हीं स्पून्स को यूज़ कर कितने खूबसूरत तरीके से सजाया है। और अब हम कोशिश करेंगे, तो हम चाहते हैं कि एक बार मैडम आएँ और हमें जो है कुछ यूनिक चीज़ें जल्दी से बता दें इसमें। और चीज़ें ये हमने देख लिया है, यूनिक से सब प्लीज आप पेंटिंग्स देखें। हाँ नहीं, ये पेंटिंग्स तो मुझे लग रहा बाहर से खरीद के लाई गई। अच्छा सर, ये सब हैंडमेड नहीं, ये तो यकीन मुश्किल हो रहा है, यकीन ये किन बच्चों ने बना दी है भाई? ये बच्चों टीचर्स की हेल्प से बच्चों ने बनाया। अच्छा देखिए, मुझे तो लगा कि ये बाहर से परचेज करके लाई गई है, लेकिन ये सब नन्हे मुन्नो बच्चों ने बनाई है। और ये जो मैं पेंटिंग आपको दिखा रहा हूँ, ये इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, बड़े बड़े एग्जीबिशन में जाने के लायक ये पेंटिंग्स हैं। हम पेंसिल्वेनिया पब्लिक स्कूल में हैं और अब हम जो है क्राफ्ट के बाद एक और ऐसे उसमें आए हैं, रोलिंग पिन है ये। तो कैसे मैडम काम करता है बेटा, कैसे काम करता है ये, क्या तरीका है? ये जो ग्रामीण क्षेत्र को के लोग हैं या ग्रामीण उससे बिलोंग करते हैं, उन्होंने इसको फिल्मों में ही देखा होगा किस तरीके से वर्क करता है। और आपके यहाँ भी टोकन सिस्टम है क्या? क्या टोकन है इसका? यहाँ से टोकन परचेज कर, 10 रुपीज़ का टोकन है। और इसको क्या प्राइजेस वगैरह भी हैं या कुछ ऐसे ही है? हाँ चलिए, 10 रुपए हम देंगे, हम कूपन लेके देंगे। और हम चाहेंगे ये बच्चे से इसको एक बार प्लीज 2 राउंड जो है इसको, हाँ एक कूपन हम मंगवा लेते हैं, अभी कूपन किसी से मंगवा लेते हैं। और ये बच्चा है, प्लीज एक बार हम इधर आ जाते हैं, 2 चांस मिलेंगे। और वहाँ पे जो है शायद 10 जो है बॉटल्स हैं,
इसको शायद पिन बोलते हैं या जो भी है, तो इसको इसको इस बॉल से दो इसको चांस मिलेंगे अगर ये पूरे दोनों बार में गिरा देता है। तो ये देखिए प्रतिभा निखारने का काम हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप जो है इसको शुरू कर दें और देखते हैं कि बच्चा जो है ये एक ही बॉल गिरा पाया। अब हम किसी और बच्चे से चाहेंगे कि उसको जो है मौका मिले, तो एक बच्चा कोई और जो है, अब देखते हैं कौन बच्चा आता है और इसको जो है पूरी बॉल गिराता है। अब दूसरे को किसी को चांस देते हैं, दूसरा बच्चा कोई, बेटा आप आ जाओ, ठीक है। देखिए लेकिन ये बच्चा भी एक ही बॉटल गिरा पाया है, तो चलिए हम इसी तरीके के ये जो क्राफ्ट है इन्हीं चीज़ों से बच्चों की प्रतिभाएं निखरती हैं और लोगों को पता चलता है, परिवार को पता चलता है कि बच्चा हमारा किस ओर बच्चे का झुकाव है। इसी के साथ हम कोशिश करेंगे प्रिंसिपल मैडम के साथ चल के और भी चीज़ें इसके अलावा भी आपको दिखाने की। हमारे साथ क्या नाम है बेटा, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अनुष्का कटारिया। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस एंड हाउ इट वर्क्स? ब्रेक द प्राइमेट, इफ यू ब्रेक द प्राइमेट, यानी कि एक ग्लास का प्राइमेट है जो आपको बॉल से हिट करना है। हाँ। इन थ्री चांसेस देन यू गेट वन मोर चांस। तो देखिए ये पिरामिड बनाया गया है और इस पिरामिड को हिट करना है, और हिट करके अगर आप ये सारे ग्लास जो पिरामिड है इसको गिरा देते हैं तो आपको नेक्स्ट चांस फिर से मिल जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे, और हमने अभी कूपन भी मंगवाए हैं, एक कूपन हमने वहां पे यूज किया और एक कूपन और मंगवाया है, और हम इसमें किसी बच्चे को एक चांस देंगे और देखेंगे कि क्या बच्चे जो है, कोई भी बच्चा इसको जो है हिट करके ये पूरे पिरामिड को गिरा सकता है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, हमारे कूपन आए मैडम, अभी हम कूपन आपको दे देंगे। प्लीज हम कोई एक बच्चा जो है इसमें से, बेटा आप एक प्लीज एक बॉल दे दें इनको, और हम चाहते हैं कि बच्चा को हिट करें, देखते हैं कौन सा बच्चा हिट करता है। किसी को दे दीजिए जिसको है पिरामिड बना रखा है ग्लास का, और इसको देखिए हिट किया है लेकिन जो है इन्होंने चांस मिस कर दिया है और जो है चार से पांच ही ग्लास गिर पाए हैं। तो हम कोशिश करेंगे, वेल ट्राइड, और हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के और भी चीजें हम दिखाएं। तो हमने देखिए एक कूपन परचेज कर लिया है, बच्चे हमारे साथ, क्या नाम है बेटा आपका? आहमद। तो आहमद, और ये आप टीचर हैं क्या? स्टूडेंट। अच्छा, टीचर हैं। तो देखिए हमने नीचे भी देखा कि टीचर्स के सपोर्ट के साथ ये जो है क्राफ्ट किए जा रहे हैं, तो ये क्या है बताएंगे जरा? शूट द एम है। अच्छा, अपने जो है एम को निशाना बनाकर आप प्राइज जीत सकते हैं, है ना? तो यहाँ देखिए तमाम प्राइजेस हैं बच्चों के लिए भी हैं, बड़े बच्चे हैं, और हम लोग भी ऐसे शोर किया करते थे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो जेल वगैरह, और यहाँ फेयरनेस क्रीम है बहुत सारे। ये सिर्फ एक उसके लिए है कि आप इस पे निशाना लगाकर इसको किसी को जीत सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, हमने एक कूपन परचेज कर लिया है, और आप जो है एरो दीजिए, ये तीन एरो मिलेंगे, तीन चांसेस मिलेंगे आपको। तो हम किसी बच्चे को देंगे, किसी बच्चे को देंगे, कौन बच्चा लेगा? एक एक बच्चों को, मतलब एक एक एरो हम तीनों बच्चों को देंगे और चाहेगा, और हम चाहेंगे इसको हिट करें और देखें कि क्या मिलता है इनको। प्लीज करो आप हिट कर। तो देखिए बच्चे ने 18 क्या क्या ये आया है, 18 नंबर आया हुआ है। तो देखिए 18 नंबर पे इन्होंने हिट किया है, तो ट्राई अगेन है, उसके बाद अब दूसरे बच्चे को चांस मिलेगा। हम चाहेंगे कि आप दूसरा बच्चा जो है इसको हिट करेगा, हम एक बार प्लीज। तो अब देखिए दूसरा बच्चा, लेकिन इसका जो है बच्चे का वो नहीं जा पाया है, वहाँ तक हिट भी नहीं कर पाया। तीसरा जो आखिरी जो एरो है वो हिट करेगा बच्चा। तो देखिए तीसरे बच्चे का भी जो है खाली निकल गया है, तो ट्राई अगेन है, और जो है हम इसके साथ ही अगले उस पर चलते हैं और अगले उस पर दिखाते हैं क्या नई चीजें हैं, क्या क्राफ्टिंग है बच्चों के। एक कूपन और परचेज कर लिया है, बच्चे हैं, शोर बहुत है, और हमें भी बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे, आनंद आ रहा है, हमें अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं स्कूलों के। तो हम दूसरे स्टॉल पर पहुंचे हैं, और दूसरे स्टॉल पे है फाइंड आउट द की फ्रॉम आईज एंड ओपन लॉक ऑफ योर लक।
ये इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर बर्फ है और एक बच्चा, कोई एक बच्चे को चूज किया है, एक बच्चा जो है इसके अंदर से एक चाबी है, की है, उसको निकालेगा और इस लॉक को खोलेगा, इसके अंदर क्या है उसको वो मिलेगा। अगर वो एक मिनट के अंदर इसको पूरा कर लेता है तो अभी ये बच्चा आया है और अब इसको जो है इसका टर्न है। ये एक मिनट, अब काउंट डाउन स्टार्ट होगा, एक मिनट चालू होगा, तो अब देखिए शुरू होने जा रहा है। तो देखिए एक बच्चा है और इस बच्चे ने जो है बॉक्स में हाथ डाल दिया है, बॉक्स में हाथ डाल दिया है और बॉक्स में की ढूंढने का प्रयास कर रहा है, की ढूंढने का प्रयास कर रहा है। देखिए 13 सेकंड हो चुके हैं बच्चे ने, देखिए निकाल लिया और ये लॉक जो है खोल रहा है ये बच्चा। आप देखिए इसको, देखिए की इसमें कई सारी हैं और वो अगर वो की प्रॉपर की ढूंढ लेता है, मैचिंग की ढूंढ लेता है तो वो उसको खोल सकता है और खोलने के बाद जो है उसमें से उसको जो है उस बॉक्स के अंदर क्या है वो मिलेगा। और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक किसी बच्चे ने प्रॉपर की ढूंढी है, क्या किसी ने खोल दिया है? चलिए तो देखिए बच्चा ट्राई कर रहा है, 47 सेकंड हो गए हैं और अभी तक इस बच्चे को की नहीं मिल पाई है, प्रॉपर की नहीं मिल पाई। एक की मिली थी लेकिन वो जो है चाबी उस लॉक में फिट नहीं हो पाई। और देखिए 1 मिनट हो गया है और इस बच्चे को ये जो है वो नहीं मिल पाया है। प्रोसेस है कैसे बेटा, क्या नाम है आपका? थैंक यू। माय नेम इज वंश गुप्ता। अच्छा वंश जी, ये कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस है इसका? इस पिरामिड को बनाना है, बॉल का क्या रोल है इसमें? अच्छा, मतलब बलून भी एक हाथ से आपको जो है उछालना है, उसके बाद जो है इसको भी बनाना है। तो हम एक और कूपन दे देते हैं, शायद हमारे पास कूपन बचे हैं, एक और कूपन दे देते हैं। तो ये हमने कूपन दे दिया है और एक कोई बच्चा हम चूज करेंगे, आ जाओ। हाँ तो ये बच्चा देखिए, बेटा थोड़ा सा पीछे हो जाओ, हम बेटा पीछे। तो हम ये चाहते हैं अब इस, अब ये जो है बच्चा, इसको जो है टाइमर लगाया गया, इनका भी टाइमर, क्या टाइमिंग है इनकी? 30 सेकंड। 30 सेकंड में इस बॉल को भी छालना है और इस पिरामिड को भी बनाना है। तो देखिए ये बच्चा शायद जो है इसको तैयार कर पाता है, पिरामिड को नहीं, एक हाथ से बॉल भी उछालनी है और एक हाथ से जो है पिरामिड भी बनाना है। तो बड़ा अच्छा प्रयास कर रहा है और बलून देखिए काफ़ी दूर जा चुका है और अब तीन जो है कप्स बचे हैं पिरामिड बनाने के लिए। और मुझे लग रहा है टाइमर क्या है, देखिए इन्होंने जो है इसको जो है प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है या कंप्लीट कर लिया। तो देखिए इनको दोबारा से शायद चांस मिलेगा या कूपन बैक हो जाएगा। तो ये कूपन जो हमने दिया था, बच्चे ने जीत लिया है, उसको रिटर्न मिल गया है, ये आप रखिए। चलिए हम और चलते हैं, कोई बात नहीं, हम और चलते हैं और वेलकम और चलते हैं। देखिए ये है पिकअप द मैच स्टिक विद द फॉग। तो यहाँ पर जो है बच्चों को हम चाहेंगे, शायद कूपन हमारे पास बचे हों, एक कूपन और बचा है शायद आगे तक ना पहुंच पाए, तो हम एक कूपन परचेज कर रहे हैं। ये मैम प्लीज, एक बच्चा अभी ये आगे आ जाए बच्चा, इसको हम देते हैं। हाँ ये बच्चे को दे देते हैं। तो चलिए देखिए ये बच्चे को, मैं पहले इससे पहले जानना चाहूंगा प्रोसेस क्या है, टाइमिंग क्या है, क्या क्या तरीका है इसका? अच्छा ये सारी डालनी है, चलो दीदी ने समझा दिया, हालांकि मुझे नहीं समझ आया, बच्चों ने शायद समझ लिया हो। तो हम शुरू करते हैं, देखिए टाइमर ओपन होने वाला है और इसके बाद हम ख़त्म करेंगे इसको, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, कई पीछे भी स्टॉल लगे हैं। तो अब ये चालू हो गया है, इस फॉक से, ये कांटे वाले चम्मच से बच्चे को जो है जो भी वो है बिना हाथ लगाए इसमें बाउल में डालना है और बाउल में डालना है। अगर एक भी माचिस की तीली बाहर गिर जाती है तो आउट हो जाएगा, ये है। तो क्या एक चांस इनका मिस हो गया, खत्म हो गया? तीन चांस थे, तीन चांस मिलेंगे, तो ये दूसरा चल रहा है। तो ये सारी माचिस की तीली डालनी है बाउल में? अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें एक एक अगर आएगा तो, अभी एक आया हुआ है।
तो देखिए हम समझा देते हैं आपको कि ये डाइस है और इसको जो है वो किया जाएगा और इसपे जो है जितना नंबर आएगा उतनी जो है माचिस की तीली मैचस्टिक उठाकर उस बाउल में डालनी है। तो देखिए हाँ तो देखिए तीन आया है, अब इस बच्चे को तीन तीली प्रॉपरली बिना दूसरा हाथ लगाए उसमें डालनी है। तो देखिए तो देखिए टाइम ड्यूरेशन भी है क्या कोई इसमें? थर्टी सेकेंड तो 30 सेकेंड में इनको तीन डालनी, फोर डाल दी है इन्होंने, शायद ये चांस भी मिस कर दिया है। और फिर से डाइस वो की है, पांच वो आए हैं, शायद चार थे, तीन चार थे, अब चार इनको माचिस की तीली इसी से उठा के टाइम ऑफ हो गया और इन्होंने वो नहीं कर पाए। अच्छा अगर ये इसको प्रॉपर्ली डाल देते तीनों टाइम तो इनको प्राइज मिलता। तो चलिए इसके साथ ही अगर और कुछ है, अब हमारे पास शायद कूपन नहीं बचे हैं, देखिए बिंदी स्टॉल है तो हम ऐसे दिखा देते हैं क्योंकि कूपन की कमी है हमारे पास और बिना कूपन यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। तो ये बिंदी का बेटा क्या है, ये कैसे कैसे वर्क करता है, क्या है? अच्छा दुल्हन के माथे पर बिंदिया सजाओ और कूपन। अच्छा बिंदी लगानी है, कितनी बिंदी है? अच्छा आंखों पे पट्टी बांध के सही जगह बिंदी लगानी है माथे पे। अच्छा तो यहाँ पे माथे पे बिंदी लगानी, फिर क्या मिलेगा इनको? कूपन रिटर्न मिल जाएगा। तो चलिए और हम देखते हैं, ये जो है थ्रो द रिंग एंड विन द प्राइज, 10 रुपए का कूपन है, आपको कितनी रिंग मिलती है इसमें बेटा? दो रिंग मिलेंगी, दो रिंग में थ्री रिंग मिलेंगी, टू रिंग्स मिलेंगी। और उसको जो है अगर किसी में रिंग वो चली जाती है तो चॉकलेट से लेके स्ट्रिंग और तमाम चीजें हैं वो बच्चों को मिल पाएंगी। तो हम ऐसा है चूंकि कुछ पेरेंट्स सक्षम हैं और कुछ पेरेंट्स नहीं सक्षम हैं, तो जो पेरेंट्स सक्षम हैं वो हमारा सहयोग करते हैं और सहयोग से जो बच्चे नहीं सक्षम हैं हम उन बच्चों का सहयोग करते हैं। दूसरी बात ये है हम यही चाहते हैं कि जो बच्चा पढ़ाई में या कुछ पेरेंट्स असमर्थ हैं बच्चों को पढ़ाने में, हम यही चाहते हैं वो हमारे पास आए अपनी समस्या हमको रखें। और मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है पढ़ाने में तो मैं उनके साथ में सहयोग खड़ा रहूँगा। जो स्कूल है आपका किस क्लास से किस क्लास तक? NC से लगाकर 10th तक। NC से? और लगभग कितने शिक्षक होंगे आपके पास? हमारे पास 32 32 शिक्षकों के साथ हैं। अच्छा आप बता, हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है क्या आपके यहाँ? हॉस्टल सुविधा तो सर नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे गरीब हैं जो परेशान है, जनजाति के लोग हैं, तो थारू जनजात के लोग जी, तो उनके कुछ बच्चों को हमने 10-12 बच्चों को यहाँ पे रख दिया है। उनके पेरेंट्स ने कहा कि हम असमर्थ हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को थोड़ी सी इंग्लिश की शिक्षा मिल जाए, तो उनको हमने अपने पास में रख लिया है, खाना पीना रहना सब हमने। तो उनसे कुछ पैसे तो लेते होंगे? नहीं सर कुछ नहीं, कोई पैसे नहीं लेते? कोई पैसा नहीं। 15 बच्चों का खाने पीने से पढ़ाई तक खर्चा आप उठा रहे हैं, मतलब स्कूल प्रबंधन उठा रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये हो जाता है सर कि थोड़ा सा पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो लोग आ जाते हैं, कभी जब वो पड़ जाते हैं तो गेहूं है या कुछ चावल है वो अपने बच्चों को दे देते, जो सक्षम है सक्षम है दे देते हैं। हाँ। उसी में पूरा पड़ जाता है, जो कम पड़ता है उसको हम पूरा करते हैं। अच्छा क्या कहना चाहेंगे, कुछ ऐसे परिवार हैं, परिजन हैं जो अपने मन को जो है मार के बैठ जाते हैं कि हम इंग्लिश स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उसकी फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो ऐसे परिजनों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उन पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि एक बार मेरे पास पेंसिल्वेनिया पब्लिक स्कूल आके और मुझसे स्वतः बात करें आके, और बात करने के बाद हर चीज का समाधान होता है। अगर वो थोड़ी सी कोशिश करेंगे हमसे मिलने की, बात करेंगे, तो शायद हमारी समस्या ये रहेगी कि उनकी हर चीज का समाधान हो जाए।